अंदर है खोल दे रही काम ही नहीं करते। कोई बंगाल के कम करना चाहिए। जी आज हमने तहसील कम्प्लेक्स का दौरा किया सुरनकोट में, और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ लोगों को इतनी खस्ता हाली बनाई हुई है लोगों की। यहाँ तहसीलदार साहब जो हमारे पिछले 20 दिन से छुट्टी पे है, और एडिशनल चार्ज जो हमारे तहसीलदार हवेली खटक साहब को दिया गया था, और उनका एडिशनल चार्ज जो है 28 फरवरी तक था, तो अब हमारे पास तहसीलदार साहब भी यहाँ नहीं है। ठीक उसके बाद जो इस वक्त PM AY के मकानों की जो एक लंबी फहरिस्त डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ने तलब किए हैं, तो जिस इंसान के पास उसका इलेक्शन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड का मतलब है कि वो वोटर है, उसके पास उसका राशन कार्ड भी है, उसकी ज़मीन की नकल भी है, इतनी लंबी फॉर्मेलिटी मांगकर करप्शन का एक अड्डा बनाया जा रहा है। ठीक, और आप किसी के साथ एक हफ्ता चलोगे, तंग आके 500 रुपये आप ज़रूर दोगे कि मेरा काम जल्दी हो जाए। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, LG इंतज़ामिया से गुजारिश है कि ये करप्शन का जो है ये सिस्टम ये बंद किया जाए, और गरीब आवाम जो दूर दराज इलाकों से लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं और पूरा दिन इंतजार करते रहते हैं, शाम को वो मायूस होकर अपने घर जाते हैं, उनको डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड नहीं होते। अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ हम इन लोगों को लेकर रोडों पे बैठेंगे और यहाँ तोड़ फोड़ भी होगी, ज़्यादा नुकसान होगा। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, लिहाजा इन लोगों के साथ इंसाफ बरता जाए। हमारा तहसीलदार साहब जो है हमें वापस यहाँ उनको चार्ज वापस दिया जाए, अगर वो नहीं आ सकते। बहुत सारे लोगों को आजाद साहब इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों को नकल हसरा गर्दावरी चाहिए होती है, नकल जमाबंदी चाहिए है, उसके बाद वोटर लिस्ट चाहिए, मालशुमारी चाहिए, तो लोग जो है बहुत ज्यादा हद तक जो सफर हो रहे हैं। इस सिलसिले में क्या कहेंगे, इसको इंतजामिया की फेलियर माना जाएगा? किसका? सिंपली एक ही बात है कि जिसके पास खसरा गिरदावरी की नकल है तो वो अपनी जमीन का मालिक है। ठीक, इतनी लंबी हिस्ट्री उसकी पूछने की जरूरत नहीं है। अगर उसका खसरा गिरदावरी में नाम है तो समझो कि अपनी जमीन का मालिक है, खसरा गिरदावरी में तभी तो उसका नाम है। इतनी लंबी फहरिस्त की सिर्फ करप्शन का अड्डा है और कुछ नहीं है, और लोगों को तंग किया जा रहा है, या गरीब आवाम को तंग किया जा रहा है। और डिप्टी कमिश्नर साहब से भी हमारी गुजारिश है कि इसको शॉर्टकट किया जाए, और इसकी जो डेट है, डेट भी बहुत कम दिन रखे हुए हैं, इतने टाइम में ये डॉक्यूमेंट्स लोग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और लोग इस स्कीम, लोग जो है किस चीज के लिए डॉक्यूमेंट बना रहे हैं? PM AY स्कीम के मकानात के लिए, PM AY मकानात जो हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स कम से कम 20 फॉर्मेलिटीज इसमें जो है मांगी गई है, लेकिन इतनी लंबी फॉर्मेलिटीज ये गरीब लोग दूर दराज इलाकों से 10-10 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, और इनको ये फॉर्मेलिटीज भी प्रोवाइड नहीं हो रही हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसमें डेट भी बहुत कम रखी हुई है। और सरपंचेस और पंचेस जो हैं अपनी पंचायतों में, वो भी इन लोगों को प्रॉपर तरीके से अवेयर नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इन लोगों के साथ ऐसा गलत ना